हाय गाइस, चलो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक हाथी और चींटी की। एक बार की बात है जब चींटी हाथी के सूंड में घुस गई भाई, और फिर जैसे ही हाथी ने छींका, चींटी निकल के मर गई। तो कैसी लगी कहानी? वेल गाइस, ये सब छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ कि आज अपन कहाँ जा रहे हैं। आज अपन घूमने जा रहे हैं, लिटरली कहाँ जा रहे हैं? दुबई जा रहे हैं हम लोग। तो मुझे क्यों मारा भाई? गाइस, ऐसा चॉप को लगता है कि हम लोग दुबई जा रहे हैं। लाइक चॉप मान गए कि हम लोग कार से दुबई घूमने जा रहे हैं, बट हम लोग एक्चुअली में दुबई नहीं जा रहे हैं भाई। हम लोग अभी लॉस सैंटोस से गाइस सीधा एक बीच में जा रहे हैं। ये बात ये लोगों को पता नहीं है। आ जाओ भाई, बैठो। अजिन भाई, वो सब तो ठीक है, आखिर हम कितने दिन में पहुंचेंगे उस बीच पे? अरे भाई धीरे बोल, चॉप सुन लेगा। सुन लेगा, सुनता मैं लिया हूँ मास्टर के बच्चे। फिर से मेरा दिल तोड़ दिया तुमने, है ना? तुझे पता चल गया क्या कि अपन नहीं जा रहे? चल ठीक है। वेल गाइस, अपन बीच जा रहे हैं। हालांकि उस बीच जाने में भी अपने को कम से कम 2 से 3 दिन तो लगेंगे भाई। गाइस, बट वो बीच इतना दूर है ना कि भाई ड्राइविंग करते करते मेरी हालत खराब हो जाएगी। आपकी तो हालत खराब ही होना चाहिए, मुझे झूठ बोलते हैं। सुबह सुबह संडे के दिन मुझे झूठ बोल के उठा दिया कि हम लोग दुबई जा रहे हैं। चल जल्दी से उठ जा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके साथ अच्छा नहीं होगा मास्टर के बच्चे। एक डॉगी को सताना बहुत बुरी बात है। I mean, भाई मैं तो बस प्रैंक कर रहा था यार, तू इतना बुरा मान जाएगा मुझे नहीं पता था। अरिन भाई, चलो चलो, आजकल आप ज्यादा ही प्रैंक नहीं कर रही हो। I mean, तुम लोग वैसे भी प्रैंक के लायक हो गाइस। ये लोग की बातें को ना नजरअंदाज करते हुए आप लोग क्या करो पता है? आप लोग एक सब्सक्राइब का बटन दबाओ, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबाओगे तो हम लोग फिर से खुश हो जाएंगे। यस गाइस, अगर आपको सबको खुश करना है ना, चॉप शिनचैन मुझे, तो आप बस एक चीज करो, आप वो सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार। एनी वे गाइस, लगता है आपने दबा दिया है। फिर क्या गाइस, हम लोग काफी घंटे तक ऐसे ही घूमते रहे। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, लेकिन हम लोग काफी लंबा ट्रैवल करते रहे भाई। फिर गाइस, हमने प्लान किया था कि रात को अपन अपने होटल तक तो पहुंच ही जाएंगे। गाइस, यहां से हम लोग अपने होटल के पास जा ही रहे थे, बट उसी समय पता नहीं अचानक से गाड़ी बंद पड़ गई और भाई आग निकलने लगी। मैं समझ गया यार, गाड़ी ना बहुत लंबे समय तक ज्यादा ही दूर तक चल गई है, और अब आसपास कुछ मदद के लिए था भी नहीं। मतलब गाड़ियां जा रही थी, बट ये हाईवे था, सब इतने तेज थे। और यार शिनचैन, अब तू बता करना क्या है? अरिन भाई देखो, अभी यहाँ से होटल है तो बहुत पास में ही, तो क्यों ना हम लोग से पैदल पैदल चल ले यार। और फिर इस गाड़ी का क्या करेंगे? अरिन भाई देखो, होटल से कोई मिलेगा उनसे मदद मांगेंगे, और उनसे मदद लेकर गाड़ी को टकरा के होटल में रखवा देंगे। हाँ ये अच्छा आइडिया यार, इस चॉप को बुलाते हैं। ओए भाई, तू क्या गाड़ी में बिताएगा क्या पूरा दिन? एक मिनट, दिन आपने बचाएगा है मास्टर के बच्चे, रात हो गई है रात। अरे बाप रे गाइस, जो सुबह से कितना गुस्से में भाई, एक मिनट नीचे उतर के आएगा? नहीं उतरूंगा तो आप क्या मुझे चैन से जीने दोगे? आ गया हूँ, बताओ क्या काम है। अच्छा ठीक है भाई, अभी कम से कम तू पैदल पैदल ना थोड़ी दूर तक चल ले, और सामने होटल है, वहाँ पहले तू भर पेट खा लेना। तो गाइस, मुझे तो लगता है ये भूखा पेट है, और भूखे पेट ना डॉगी ऐसे ही बहुत ज्यादा ना गुस्से में रहते हैं। और गाइस, वैसे भी मैंने सुबह सुबह चॉप के साथ जो प्रैंक किया ना, मुझे लग नहीं रहा है वो अच्छा है। चलो ठीक है भाई, जल्दी जल्दी चलो, अपना होटल ज्यादा दूर तो नहीं है यहाँ से। यार एक मिनट, ये वही जगह है ना जहाँ पे अपना होटल है? क्योंकि गाइस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग ने कुछ तो मिस्टेक कर दिया है, शायद अपना होटल और दूर तो नहीं है। नहीं नहीं अरिन भाई, हमारा होटल आगे ही होगा। ऑलराइट भाई, तू ऐसा बोल रहा है तो मैं मानता हूँ। अरे भाई, ये लोग तो इतने पीछे रह गए यार, कहाँ हो भाई, जल्दी जल्दी आओ ना। गाइस, फिर यहाँ भी हम लोग काफी दूर तक दौड़ते हुए आ गए, पर धीरे धीरे टाइम बीत गया, और गाइस धीरे धीरे आसपास की जो भीड़ थी वो एकदम कम होने लगी। भाई ऐसा लग रहा था, पता नहीं भाई ये कौन सी जगह, एकदम सुनसान सी जगह है, पर तभी हमें दिखता है, ओ भाई शिनचैन उधर देख, अपना होटल आ गया यार। अरिन भाई, फाइनली हमारा होटल तो आ गया है। वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई, फाइनली यहाँ से मदद मिलेगी। गाइस फटाफट यहाँ से आगे चलते हैं। ऑलराइट भाई, तुम दोनों वेट करो, मैं होटल के अंदर से आता हूँ। भाई मुझे लग रहा है कि गाइस यहाँ से ना हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यार। ओ वेट अ मिनट भाई, यहाँ तो होटल का नाम कुछ और है। अरे हमने जो होटल का नाम बुक किया है उसका नाम था ओ डील, इसका नाम है ओ डीज। यार शिट भाई, ये अपना होटल ही नहीं है। मास्टर क्या बोल रहे हो भाई, इतने दूर से चल के आए हैं हम, अब यहाँ नहीं जा सकते? भाई कैसे जाएगा, ये दूसरे का होटल है यार। शिट गाइस, बहुत समस्या हो गई। अब यहाँ से जो अपनी कार है वो कम से कम गाइस 5 से 6 किलोमीटर है, और हम लोग अब उतने दूर वापस दौड़ के नहीं जा सकते यार। भाई अब कुछ नहीं कर सकते यार, हम लोग को चलना पड़ेगा दूर तक। गाइस मतलब कैसे बताऊ मैं, बहुत समस्या हो गई है, और अचानक से ठंड कैसे बढ़ रही है। अरिन भाई देखो, न गाड़ी है और मुझे इतनी तेज भूख लग रही है कि क्या बताऊं, और आप और चलने को कहते हो। वही तो मास्टर के बच्चे कहेंगे, एक तो आपने हमें दुबई का प्रॉमिस किया था, वहाँ तो ले गए नहीं, और अभी देखो चुपचाप चला रहे हो। अरे भाई थोड़ा सा हल्ला कम करोगे, मैं भी थक गया हूँ यार, और बहुत नींद भी आ रही है मेरे को। भाई एक तो ये कुछ अजीब से गाने वाने की आवाज आ रही है। ओ व्हाट भाई, यहाँ हमारी इतनी हालत खराब है, वहाँ कोई डांस कर रहा है। भाई कौन है जो इतनी रात को ठंडी में डांस कर रहा है यार? मुझे एक चीज
समझ नहीं आ रही है भाई, पता नहीं कौन है यार। मुझे तो लगता है वो कई पता नहीं, मुझे तो ये लग रहा है मास्टर हमें भी डांस करना चाहिए। वही तारीफ भाई, चलो ना डांस करते हैं। पागल हो गया भाई, इतना थकान हो गया अभी तुमको डांस करने का सोच रहा है भाई? मुझे तो पता नहीं कौन है और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है भाई जानने में, मैं अभी सोना चाहता हूँ। और गाइस हमें ना यहाँ से पहले तो नीचे उतरना है। अगर देखो हमें होटल नहीं भी मिल रहा गाइस, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अपन एक काम करते हैं, अपन बीच के किनारे आ गए ऑलमोस्ट, अपन बीच में आके सो जाते हैं, क्या बोलते हो भाई? नीचे आओ फटाक से। अरिन भाई अगर हम थोड़ा सा डांस कर लेते तो क्या हो जाता है यार? तुम ना पागल टाइप की बातें मत करो, जल्दी नीचे आओ। माशाल्लाह लेकिन आपका कुछ अजीब नहीं लग रहा है भाई? रात के 3-4 बज रहे हैं और यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट के नीचे अकेला डांस कर रहा है भाई? वही तो, मुझे तो बहुत अजीब लगा था इसलिए तो मैं इधर आ गया हूँ भाई। लेकिन वो सब छोड़ो, अभी अपन ना एक काम ऐसा करते हैं। हाँ यार देख, मेरे को तो बीच में सोना सेफ नहीं लग रहा है, ठीक है? अपन ऐसा करते हैं कि देख यहाँ पे तो बंदे लोग रहते हैं ना घर पे, तो अपन एक काम करते हैं किसी के घर जाते हैं और वहाँ जाके सोने की कोशिश करते हैं। चलो भाई जल्दी जल्दी चलो, अभी अपन किसी के घर जाके उनसे पूछ के सो जाएंगे। अरे भाई अपन घूम फिर के वापस से मेन रोड में आ गए यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ये पूरी की पूरी जो मेन रोड है ना, इसे खत्म करनी पड़ेगी भाई, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। मुझे अब ऐसा लग रहा है गाइस कि हमारी ना मदद के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। मास्टर अब हमें सो जाना चाहिए रोड पर ही, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह जल्दी निकले थे। वही तो अरिन भाई। हाँ भाई बात तो तुम्हारी। अरे व्हाट भाई, फिर से वो डांस करती हुई कोई दिख रही है भाई, क्या सीन है यार? तुम लोग को भी दिखी थी या फिर मुझे ही बस दिख रही है? मास्टर आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है? इतने देर पहले हमने देखा था, अभी फिर से वह दिख रही है भाई। मैं सोच रहा हूँ पूछ लेते हैं, इतनी क्या खुशी है भाई, चला जाओ जल्दी से पूछते हैं। अरिन भाई क्यों ना हम भी उनके साथ जाके डांस करें? भाई उनके साथ जाके क्या करना, अपन यहीं पे डांस करते हैं ना भाई, मुझे तो लगता है वो खुद ही आ जाएगी भाई, क्या बोलते हो? ओके अरिन भाई ये तो बढ़िया आइडिया है। अरिन भाई आप एक काम करो, आप डांस करो और मैं आपका वीडियो बनाता हूँ, और साथ में वो जो है ना नाचने वाली वो भी आ जाएगी। ऑलराइट भाई, वैसे भी रात का समय, अपन तो कहीं जा नहीं सकते, डांस ही कर लेते हैं, क्या बोलते हो? है ना मास्टर, बात आप बिल्कुल सही कर रहे हो। मास्टर आपके पीछे से वो गायब कैसे हो गए, जरा देखना। अरे अंधे चौप अभी तो यही थी। व्हाट भाई शिनचैन, तेरे कैमरे में देख शायद आ गई हो। जस्ट अ मिनट अरिन भाई, मैं चेक तो कर रहा हूँ, ये लो मैं आपका वीडियो भी भेज दिया हूँ। ऑल राइट, इसने मुझे वीडियो तो भेजा है बट ओके ओके। अरिन भाई मुझे कोई ऐसा लग रहा है मेरे पीछे है। अरे भाई मुझे भी लग रहा है, पर मेरे पीछे तो तुम लोग हो। अरिन भाई आप भी मेरे पीछे देखो ना, कोई तो है। ऑल राइट भाई, वेट व्हाट भाई शिनचैन पीछे देख। नहीं अरिन भाई मुझे डर लग रहा है। ऐसा कौन है, कौन है? अरे बाप रे बाप, ये क्या देख रहा हूँ भाई मैं? माय मास्टर आपका भी कुछ दिख रहा है क्या? वेट अ मिनट गाइस, मुझे ना वीडियो बनाना चाहिए, रुको रुको। ऑल राइट गाइस मैं वीडियो बना के देखता हूँ। ओके भाई वेट 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 व्हाट भाई वेट व्हाट, ये क्या हो गया? अरे हम लोग बीच रोड पे क्यों सो रहे हैं? कल रात को क्या हुआ था? अरे शिनचैन जॉब, ओ भाई उठोगे? क्या हो गया यार, ये लोग सो क्यों रहे? एक मिनट, कल रात को हम लोग डांस कर रहे थे। ओ भाई उठ जाओ यार, जल्दी उठो, मेरे को याद करने दो। कल रात को हाँ हमें होटल नहीं मिला, हम लोग डांस कर रहे थे यार। डांस करने के बाद क्या हुआ, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। अरिन भाई हेलो। अरे भाई तू भी उठ गया? अरिन भाई लेकिन मैं इस रोड के बीचों बीच कैसे सो रहा भाई, सुबह सुबह इतनी ज्यादा गाड़ियां आ रही है, मेरी नींद खराब हो गई। अरे नींद खराब की बड़ी है पागल, हम लोग इस रोड के बाजू में आए कैसे? वही तो अरिन भाई, मुझे याद है हम लोग की गाड़ी खराब हो गई थी और उसके बाद हम लोग होटल ढूंढ रही थी। अरे हाँ भाई होटल ढूंढते ढूंढते हम यहाँ कैसे पहुँचे यार, क्या हुआ था? चौप को कुछ याद होगा? वही तो अरिन भाई, मैंने सुना है कि डागियों की याददाश्त बहुत तगड़ी होती है। हाँ भाई इसी को उठाते हैं। ओए भाई चौप, मास्टर मास्टर भाग भाग यहाँ से, घर जाओ। अरे भाई इसको क्या हो गया यार, भाई बता कर रात को क्या हुआ था? रात को कोई हमें डांस करवा रहा था और जैसे ही हमें उन्हें देखा, उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया है मास्टर, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घर ले चलो। अरे इसको क्या हो गया भाई, ये अलग पागल हो गया है। गाइस मुझे लगता है रात को कुछ नहीं से ज्यादा ठंड लग गई है, वैसे भी चौप ना बेकार की बातें करता है भाई, कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है शिनचैन। एक मिनट भाई व्हाट, लेकिन चौप एक बात बता कि कल रात को तुझे सब चीज अच्छे से याद है, ठीक है? तू इतना डरा हुआ है, तू ये बता तू करना क्या चाहता है, ऐसे पागलों जैसे हरकत क्यों कर रहा है? अरे भाई गाइस ये
लिटरली ये वाली रेलिंग को काट रहा है। भाई क्या हो गया तेरे को बता? मास्टर मुझे घर जाना है, मुझे घर ले चलो। भाई मेरे पास कार ही नहीं है गाइस, हमने पता नहीं कर रात को अपनी गाड़ी कहाँ छोड़ दिया है, कार है ही नहीं अपने पास। शिनचैन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मास्टर से दूर रहो, वो हमें कहीं और ले जा रहे हैं, हमें घर जाना है, मुझे घर ले चलो। पागल आदमी मेरे से दूर रहो क्यों बोल रहा है? ओए भाई इधर आ, इधर आ, इधर आ। तू ठीक है? मतलब पागल जैसी बातें क्यों कर रहा है? मास्टर मुझे घर जाना है, मुझे घर ले चलो। अरे मेरे पास गाड़ी नहीं है तो कहाँ से घर ले चलूं? यार गाइस मेरा ना रात से दिमाग खराब हो गया है, और पता नहीं कर रात को क्या हुआ है, कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। शिनचैन एक काम करते हैं, हम दोनों घर चलते हैं, ठीक है? अरे चुप, तू पागल है क्या? हम लोग घूमने आए थे, बीच भूल गया, चल घूम फिर के जाएंगे। अरे यार ये लोग सब कुछ भूल गए हैं, रात को बहुत भयंकर हुआ है। मास्टर मेरी बात सुनो। अरे पागल डॉगी यार मेरे को कुछ सोचने दे, किसको कॉल करूँ क्या करूँ? अरे मेरी जेब में फोन ही नहीं है। ये लोग कुछ भी समझ नहीं रहे हैं यार, अब इन्हें कौन समझाएगा। हाँ ठीक है भाई, तेरे को सब पता है, तू बहुत समझदार है ना, जा तू अकेले चला जा, ठीक है? जा अकेले जा। ठीक है मैं जा रहा हूँ मास्टर, आप लोग मेरे पास मत आना। अरे लेकिन घर का रास्ता तो उधर से, मैं उधर क्यों जा रहा हूँ? भाई सोच ले फिर से। मैं सोच लिया हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, और मुझे मत रखना, थोड़ी देर में लग मुझे रखने के लिए आएंगे। भाई शिनचैन चिंता मत कर, थोड़ी देर में ना ये खुद ही लौट के आ जाएगा। अपन लोग वापस चलते हैं, गाड़ी लाते हैं, गाड़ी लेंगे, फटाफट इसे बैठाएंगे और भाई से घर छोड़ देंगे। इतना क्यों डर रहा है ये? और भाई मेरे को तो लगता है कभी कभी ना चौप पगला जाता है। गाइस मैं जब भी उसको रात में ट्रैवल कराता हूँ ना, उसकी हालत ऐसी होती है। भाई एक मिनट, लेकिन यार व्हाट, भाई चौप तो गायब हो गया है यार, ये कैसी बात हुई? अरीन भाई कहीं हमने चौप को खोते नहीं दिया? अरे भाई तू ऐसा क्यों सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, फटाफट अपन पीछे चलते हैं, ठीक है? A few hours later, ऐसे ही हम लोग आधे दोपहर में उठे थे, और पता नहीं कि मैं कहाँ आ गया हूँ, अब थोड़ा देर में अंधेरा हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने मास्टर लोगों को क्यों छोड़ा, मुझे लगा था वो लोग मुझे बुलाने आएंगे, लेकिन वो लोग आए ही नहीं। और गाइस धीरे धीरे फॉग इतना बढ़ता जा रहा है, और समय भी बहुत जल्दी जल्दी कट रहा है, मुझे फिर से डर लग रहा है कहीं रात ना हो जाए। मास्टर मास्टर मुझे मिलो, मुझे मिलो। पता नहीं अब मेरे मास्टर मुझे कब मिलेंगे। आर्यन भाई मैंने वहाँ भी देख लिया, हमने जहाँ भी कार पार करी थी वो वहाँ पर नहीं है। व्हाट, वहाँ भी नहीं है? यार भाई शिनचैन ना अपने पास फोन है ना कार है, और हम लोग कौन सी जगह पे, हमें पता ही नहीं है यार। और हम लोग ने चौप को क्यों जाने दिया भाई, अब चौप भी गायब हो गया है। पता नहीं क्या चल रहे हैं, ये रात को क्या हुआ था मुझे तो कुछ याद नहीं है। भाई मुझे खुद याद नहीं है कि रात को क्या हुआ था। फिर से रात हो गई है, लेकिन अभी कम से कम चहल पहल तो है, यहाँ पे अभी तक भीड़ है ना। अरे भाई सारी गाड़ी वाड़ी गायब हो गई। अरे गाड़ी आओ गाड़ी। नहीं नहीं अगर सारी गाड़ी गायब हो जाएगी तो मुझे बाहर डर लगेगा। एक मिनट, यहाँ पे फल की दुकान है लेकिन कहीं फल वाला नहीं है। अरे भाई दो मिनट में सारी गाड़ी आना बंद हो गई। नहीं, ये मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से पीछे जा रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मास्टर मास्टर, अरे वो देखो मैं यहाँ से दूर से देख रहा हूँ, वहाँ भी वही है। भाई क्या चल रहा है? नहीं नहीं नहीं, मम्मी मम्मी, नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? वो तो मेरे पास ही आ रही है, अकेले डॉगी का क्या होगा, मुझे कोई बचाओ। गाइस अगर आप भी इसके आई का देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट से बताओ।